थाना विवर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम कराया है। घटना थाना विवर क्षेत्र के ग्राम बिलसड़ा की है। यहां गांव के प्रधान अरविंद दिवाकर की आवास पर थाना क्षेत्र के ही ग्राम बूढ़ाहार निवासी 30 वर्षीय सोनू कुलश्री चंद का अज्ञात कारणों में मृत अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्राम प्रधान अरविंद दिवाकर के यहाँ देवी जागरण का कार्यक्रम था। मृतक ज्यादातर ग्राम प्रधान अरविंद दिवाकर के यहाँ राजमिस्त्री का काम करता था। सोमवार को भी सुबह घर से काम करने की कहकर निकला था और देर शाम उसके मृत होने की सूचना परिजनों को मिली तो मौके पर परिजन पहुँचे। मृत के मुँह से झाग निकल रहा था, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गयी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल मृतक की मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ये जो मृतक हैं वो आपके कौन हैं? भतीजा। तो क्या कैसे क्या पूरी घटना बताइए, क्या हुआ है इनके साथ? ये राजमिस्त्री का काम करते हैं और बिलसड़ा के प्रधान जी के यहाँ काफी समय से काम कर रहे थे और उसी मतलब कल के ही तारीख में कल सुबह वो यहाँ से गया है और वहाँ देवी जागरण का प्रोग्राम भी कर रहे थे और शाम को सूचना मिली है कि वो ख़त्म हो गए। तो जब आप लोग गए थे तो जो इनका शव था वो किस हालत में मिला? वो एकदम सीधे चित मतलब जो है उनके दरवाजे पड़ा हुआ था। आप लोगों को क्या लग रहा है कि हत्या की गई है या शराब का सेवन है, ऐसा कुछ क्या लग रहा है? अब ये कंफर्म तो नहीं है, अनुमान तो यही है कि हत्या की गई है या शराब का सेवन कराया गया है, कोई प्रोग्राम था उनका देवी जागरण का। मतलब अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा।